अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के कैलिफोर्निया के नेवार्क में एक हिंदू मंदिर की बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखकर तोड़फोड़ की गई है। वहीं नेवार्क पुलिस ने घटना की गहन जांच का आश्वासन दिया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं जब हिंदू मंदिरों को विदेशों में निशाना बनाया गया है। इससे पहले भी इस तरह की घटना कनाडा में भी हुई है। यहाँ एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, मैंने इस घटना को देखा है, कट्टरपंथी अलगाववादी और ऐसी किसी भी ताकत को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका में हमारे वाणिज्य दूतावास ने इस मामले पर सरकार से शिकायत की है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हाँ, मैंने देखा था ये अब इसकी तो हम माने जो हुआ है ये आप जानते हैं कि हमें चिंता है कि वहाँ भारत के बाहर जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो अलगाववादी, जो सेपरेटिज्म जो है, ऐसे ताकतों को स्पेस नहीं मिलना चाहिए। और जो हुआ है, हमारे राजदूतावास ने, कॉन्सुलेट ने वहाँ मुझे वो वहाँ की सरकार और वहाँ के पुलिस के साथ शिकायत की है और ये इस पे मेरे ख्याल से इंक्वायरी जारी। अमेरिकी विदेश विभाग के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम कैलिफोर्निया में श्री स्वामी नारायण मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना की निंदा करते हैं। हम नेवार्क पुलिस विभाग के प्रयासों का स्वागत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। कैलिफोर्निया के नेवार्क में पुलिस विभाग ने एक ईमेल बयान में कहा है कि शुक्रवार सुबह लगभग 8:30 बजे पुलिस को श्री स्वामी नारायण मंदिर में दीवारों पर नारे लिखने की सूचना मिली थी और इस सूचना के बाद से ही पुलिस हरकत में आई और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत हिंदी।